ऑलराइट, तो गाइस कैसे हैं आप लोग। और आज के बारे में बता दूं, आज का बहुत ही कॉमेडी व्लॉग होने जा रहा है। तो प्लीज जिसे दिल की बीमारी है, जो हंस हंस के मर जाता है, वो प्लीज थोड़ा सा सावधान रहिए, ठीक है। अबे ये कोरोना वायरस है, किसी ने देखा तो नहीं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये वायरस की हिस्ट्री बताने जाता हूं। ये एक अजीब तरह का तत्व है जो वुहान चाइना के मार्केट में पाया जाता है। जिस किसी को वुहान के बारे में मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूं, वुहान एक ऐसी जगह की मार्केट है जहां पे कुत्ते, बिल्ली, सांप, बिच्छू सब बेचे जाते खाने के लिए। क्या? खाने के लिए। ये वायरस पूरी दुनिया भर में फैल चुका है और हर एक देश अपनी अपनी नई नई तरकीबें इजाद करके इसको मिटा रहा है। कुछ हवा में सैनिटाइजिंग कर रहा है, तो कुछ रोड पे सैनिटाइजिंग कर रहा है, तो कुछ कोई और कर रहा है, तो कोई और। अब बाजी आती है हमारे वाले की। आइए देखते हैं हमारे अंदर क्या चल रहा है कोरोना को भगाने के लिए। ये एक नहीं है, और भी है, देखो। कोरोना शांत हो, शांत हो, शांत हो, कोरोना शांत हो, शांत हो। हम नहीं, जैसे कि कोरोना कोई थानोस है बड़ा, जो बोलने पे आंदोलन करने पे शांत हो जाएगा। और एक बात, हमारे भैया की लिरिक्स देखे, बीच में टाइटल भूल गए अपना। कोरोना शांत हो। ओ भाई, ये क्या मजाक हो रखा है यार। अभी हाल ही में हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कुछ दिनों पहले ही कि लोग डॉक्टरों की हौसला अफजाई के लिए, उन लोग का हौसला बढ़ाने के लिए, उन्हें गुड विश करने के लिए, उन्हें अच्छी ख्वाहिशें, बेस्ट विचेस। A few moments later. अभी हाल ही में हमारे प्यारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था कि हर एक भारतीय शाम को 5 बजे अपने घर के बाहर आके बजाएगा तालियां और थालियां। ये प्रोग्राम इसलिए हुआ था ताकि हमारे जो डॉक्टर्स, लाइफ सेवर, जो भी हमारे लिए काम करते हैं, हम उनके शुभारंभ के लिए उन्हें बहुत ही अच्छे से गुड विश और वेल विश किए फॉरवर्ड स्टेप के लिए। पर हमारे यहाँ के लोग को तो मालूम है मोदी जी से कितना प्यार है, तो देखे कैसा प्यार निभाए है सबने। देखो कैसे दोनों चीज के परफॉर्मेंस दे रही है। ओ पागल जैसी थूत की। देख रहे हो ना कैसा जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। वाला थोड़ा तो भी ठीक था, पर अब देखो क्या होने वाला है। यहाँ पे तो बच्चे अपना ऑर्केस्ट्रा बना के घूम रहे हैं, यहाँ कभी वहां कभी ऐसे कभी वैसे, या क्या चल रहा है इधर। तो इस मर्ज से बचने के लिए हमारे यहाँ की आंटियों ने कुछ एक नया ही एक्सरसाइज निकाल दिया इसका इलाज, वो भी देख लो आप। एक्सरसाइज तो छोड़ो, यहाँ पे तो लीन ऑन वाला स्टेप हो रहा है रे। अबे यार, ये गुलाम भाई जैसा चेहरा बार बार मेरे सामने क्यों आ जाता है? अरे भाई मुझे नहीं आना ऐसा, मुझे बचपने में सब लोग बच्चा पकड़ने वाला बन के डराते थे। देख रहे हो ना कैसी जगह आ गए हैं।
अब सोचते भाई क्या होगा इस दुनिया का, क्या होएगा इस जगह का, ऐसा क्या होएगा यार। रहने दो भाई, मैं जा रहा, मेरे को नहीं करना व्लॉगिंग, जाओ। A few moments later. रहने दो भाई, अभी मार्स का टिकट थोड़ा सा महंगा हो गया है, इसके लिए देखते बाद में कभी जाएंगे। तो ये कोरोना वायरस बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रहा है, इसकी वजह से हर दुनिया के कोने में हर जगह पब्लिक कर्फ्यू लगा दिए, हर एक पब्लिक प्लेसेस को बंद कर दिया गया है, जैसे कि स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी है सब बंद कर दिया गया है। और लोग को ये क्या लग रहा है कि ये छुट्टी है? नहीं, यह मजाक हो रहा है, ये छुट्टी है? ओ भाई, अबे जितनी मैंने कभी नॉर्मल दिनों में यहाँ गर्दी नहीं देखी है ना, उससे ज्यादा गर्दी आज कर्फ्यू में लगी हुई है। देखो इतनी चर्बी भरी है ना लोगों में, बाप रे, मजबूरन अब पुलिस को अपना काम करना पड़ा। देखिए कैसा हेडशॉट मिलता है। एक और झकास चीज दिखाओ क्या, ये जरा पट्टा से हेडशॉट। कसम से मानना पड़ेगा यार हमारे पुलिस वालों को, बहुत ही तगड़ा और एकदम कैड़ा, क्या देते ना निशाना, क्या बोलूं यार, वाह जा वाह। तो गाइस, आप सबसे निवेदन है कि प्लीज अपने घरों में रहिए, ज्यादा किसी से पब्लिक कांटेक्ट में नहीं आइए, थोड़े टाइम के लिए रिश्तेदारी बंद करने में थोड़ा अच्छा है यार, क्योंकि बॉस तुम लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ क्या हाल चालू है अभी। अब एकदम सीरियस टॉपिक पे आते हैं गाइस, इसे प्रिवेंट कैसा करें। देखो, सबसे पहले तो अपने घर में मेंटेन रखो, एकदम साफ सफाई का बहुत मेंटेनेंस बहुत अच्छा रहना चाहिए, हर जगह साफ सफाई, और हर चीज को यूज करने से पहले उसे धोएं अच्छे से, ठीक है। धोने के बाद अपने हाथों को भी बहुत अच्छे से 20 सेकंड तक धोइए, ताकि ये। और गाइस, सबसे अहम मैसेज, ऊपर वाले से दुआ कीजिए, पूजा कीजिए या तो प्रे कीजिए, पर प्लीज गाइस, और अच्छे रास्ते पे अभी भी आ जाइए, अपनी जो भी गलती आपसे हो गई है उसके लिए माफी मांग लीजिए। पसीना पोछ रहा हूँ यार, कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, तो गाइस देखिए, लौट आइए, ये कॉमेडी का बस जरिया यही था कि तुमको बताना कि गाइस मौत का भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है अपने साथ। तो प्लीज इसके लिए जो भी गलती हो गई, किससे भी आप माफी मांग लीजिए, मुझसे भी अगर किसी से गलती हो गई जाने अनजाने में, मेरे से किसी के लिए, तो प्लीज गाइस हाथ जोड़ के बोलता हूँ, अभी भी मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आगे के मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हाँ तो भाई, समझ गए ना आप सब अभी, ठीक है, चलो मिलते हैं।